हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था। मेरा एक 2 फीट का टैंक है, इसमें मैं जो भी फिशेज डालता हूँ ये फिशेज मर जाती है। इसका रीज़न क्या है? एक टैंक में हम लोगों को कितना फिशेज डाल के रखना चाहिए जिससे कि मेरे फिशेज जो हैप्पी रहे। बहुत लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, मेरे टैंक में जो भी फिशेज मैं डालता हूँ वो फिशेज मरना स्टार्ट हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम लोग सही तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, अगर मेरे पास एक 2 फीट का टैंक है तो मुझे अपने 2 फीट के टैंक में कितना फिशेज डाल के रखना चाहिए, 3 फीट का टैंक है, 1 फीट का टैंक है या फिर एक फिश बाउल है तो उसमें हम लोग कितना फिशेज डाल के रख सकते हैं। बट उसके लिए आपको मेरा आज का जो भी वीडियो उसको पूरा देखना होगा। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, वो होता है फिश बाउल। फिश बाउल सब इंसान का सबसे पहला एक्वेरियम फिश बाउल ही होता है। मैं भी अपना करियर स्टार्ट किया था, एक सबसे पहले एक फिश बाउल खरीदा था, फिश बाउल में कुछ फिशेस डाल के रखा, फिर मुझे बहुत ज़्यादा जब इंटरेस्ट आया तब फिर मैं एक्वेरियम्स वगैरह शिफ्ट किया, एक्वेरियम से फिश पॉन्ड, और अब आप लोग जैसे देख सकते हैं इतना सारा फिशेस है। तो मैं समझ सकता हूँ सभी लोग फिश बाउल पहले बाय करके लेके आ जाते हैं, और यहाँ पर न्यू हॉबिस्ट का भी गलती नहीं है, क्योंकि वो लोग जब फिश बाउल में फिशेस डालने के लिए फिश शॉप में जाते हैं तो वो लोग बहुत सारा गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। वो लोग बोलते हैं हाँ आप इस फिश बाउल में इसको रख सकते हैं, गोल्ड फिश रख सकते हैं, प्लेटी फिश रख सकते हैं, मॉली फिश रख सकते हैं, और ढेर सारा लोग फिशेज एक फिश बाउल में डाल देते हैं क्योंकि हम लोग को नॉलेज नहीं होता है। और उसके बाद हर दिन हम लोग का फिशेज मरता है, और हर दिन हम लोग जाते हैं फिश शॉप में और वहाँ से ढेर सारा फिशेज बाय करते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है, फिर मरता है, फिर बाय करता है। इससे क्या होता है, फिश शॉप वाले का बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। इसलिए कभी भी फिश शॉप वाले का बात को मत सुनिएगा। फिश शॉप वाला बहुत सारा चीज़ गलत बोलता है जिसके वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है और वो लोग का प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है। कोई कोई फिश शॉप वाला ऐसा करता है, सब फिश शॉप वाला ऐसा नहीं करता है। बहुत लोग फिशेस को रखते हैं तो उन लोगों के दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा प्यार भी होता है। मैं भी ये चीज़ देखा हूँ, बहुत सारे फिश शॉप मेरे कॉन्टैक्ट में है, उसको मैं पूछता हूँ उससे कि क्या मैं इस फिश को रख सकता हूँ, तो वो अपने मुझे जवाब देता है नहीं आप मत रखिए क्योंकि आपका टैंक बड़ा नहीं है, ये थोड़ा दिन बाद आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो देखता हूँ कि कुछ कुछ फिश शॉप वाले भी बहुत अच्छे होते हैं, कुछ कुछ फिश शॉप वाला जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए अगर बैठा है तो वो आप देखिएगा बहुत ही रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगा, और उस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। इसलिए बेस्ट होता है आप YouTube पे आ जाइए, यहाँ पर रिसर्च कीजिए उस फिश के बारे में, आपको देखिएगा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पे भी आके रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर जो भी कमेंट्स होता है सब कमेंट्स के ऊपर मैं वीडियो बना देता हूँ जिससे कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसलिए सर्च कीजिए, आपको हर चीज़ का सोल्यूशन यूट्यूब में मिल जाएगा। अब बात करते हैं एक बाउल में सिर्फ और सिर्फ आप एक ही फिश डाल के रख सकते हैं, वो है बेटा फिश। बेटा फिश के अलावा आप कोई भी फिशेज डाल के नहीं रख सकते, और वो भी सिर्फ एक बेटा फिश, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना ही ज़्यादा छोटा जगह है। इस छोटे से जगह में अगर हम ज़्यादा फिशेज डाल देंगे पानी का क्वालिटी तेज़ी से ख़राब होगा, पानी में ऑक्सीजन का कमी होगा, बहुत ज़्यादा फिशेज को परेशानी आएगा अगर छोटे से बाउल में अगर आप रखिएगा। इसलिए बेस्ट होता है आपका बेटा फिश। बेटा फिश को अगर आप बाउल में रखिएगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये जो फिश होता है ये बहुत ज़्यादा हार्डी होता है, इसको ज़्यादा ऑक्सीजन का भी ज़रूरत नहीं होता है, और ये फिश छोटे से जगह में रहने के लिए एडजस्ट कर लेता है अपने आप को, उसको ज़्यादा परेशानी जो है वो नहीं आएगा। इसलिए बाउल अगर आपके पास है तो बाउल में सिर्फ और सिर्फ एक बेटा फिश रखिएगा। अब बात करते हैं एक्वेरियम के बारे में। अगर आपके पास एक 1.5 फीट का एक्वेरियम है तो उस 1.5 फीट के एक्वेरियम में मैं आप लोगों को बस सजेस्ट करूँगा 2 मीडियम साइज़ की फ़िशेज डाल के रखिए। मीडियम साइज़ की फ़िशेज मतलब इतनी बड़ी, इससे ज़्यादा बड़ी आपकी फ़िशेज नहीं होना चाहिए। तो इतनी बड़ी जो फ़िशेज होती है वो आपका गुरामीज हो सकती है, आप अपने उस 1.5 फीट के टैंक में गुरामीज को डाल के रख सकते हैं। गुरामीज डालिएगा, बहुत आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि ये गुरामी भी बहुत ज़्यादा हार्डी होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्डी होता है, इसको भी ज़्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई का ज़रूरत नहीं होता है, ख़राब पानी में भी रह लेती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पानी का क्वालिटी को ख़राब करके रखिएगा, वीकली पानी चेंज करना है। गुरामीज को भी आप रख सकते हैं उस 1.5 फीट के टैंक में, अब मैक्सिमम 2, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आपको छोटी गुरामी तो मैक्सिमम इतनी बड़ी फिशेज होती है, अगर आपको छोटी स्पीसीज की फिशेज रखना है जैसे कि मौली फिश या फिर गप्पी फिश, तो उस टैंक में आप कम से कम भी 5 या 6 मौली फिश बहुत ही ईजिली रख सकते हैं, वैसे ही सेम गप्पी फिशेज भी 5 या 6 रख सकते हैं।
और उस टैंक में आप ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस लगा दीजिए, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा अगर आप ये सारे चीज़ को कीजिएगा तो। अब बात करते हैं 3 फीट का टैंक है या फिर 2 फीट का टैंक अगर आपके पास है तो 2 फीट के टैंक में 3 अपने गुरामे फिशेज डाल के रख, गुरामी मतलब जाइंट गुरामी नहीं, गुरामीज मतलब आपकी जो ड्राफ्ट गुरामी छोटी साइज़ की जो गुरामीज होती है वो फिश के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर 3 गुरामीज डाल के रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और वो जब छोटी रहेगी तो मे भी थोड़ा सा टैंक आपका एम्प्टी लगेगा, लेकिन गुरामीज भी बहुत बड़ी होती है, कम से कम इतनी बड़ी हो जाती है, और वो जब बड़ा साइज अटेन कर लेती है तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, तो आपका टैंक भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। ज़्यादा फिशेज डालने से इसका मतलब ये नहीं कि आपका टैंक बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, आपको वैसा इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है। प्लांटेड टैंक कीजिए, टैंक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, या फिर प्लांट्स वगैरह कुछ ऐसा हाइडिंग प्लेसेस वगैरह बहुत कुछ फिश शॉप में मिल जाता है, ये सारे चीज़ से अपने टैंक को डेकोरेट कीजिए, ना कि बहुत सारा फिशेस डाल के। ये भी एक बहुत ही गलत सोच होता है इंसान के दिमाग में, वो लोग बहुत सारा फिशेस डाल के सोचते हैं टैंक को वो खूबसूरत करना, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। ऐसा करने से मैं आपको पहले बता देता हूँ, हर दिन आपको कोई ना कोई फिश मरेगा हर दिन, इसलिए ऐसा मत कीजिएगा। 3 फिशेज डाल के रखिएगा 2 फीट के टैंक में और बहुत खूबसूरत बना के रखिए, जिससे कि फिशेज भी अच्छे तरीके से उसमें रह पाएँ और आपके फिशेज जो है वो जल्दी मरे ना। वैसे ही धीरे धीरे अगर आप 3 फीट में गए तो 3 फीट में एक मॉन्स्टर फिश डाल के रख सकते हैं, जो मॉन्स्टर फिश बहुत ही इतमान से 7 to 8 inches का हो सकता है। उसमें एक एग्जाम्पल है, पैरेट फिश आप ले सकते हैं, शॉर्ट बॉडी हॉर्न फिश ले सकते हैं, एक आप फ्लावर हॉर्न लेकर डाल सकते हैं। तो इसमें आपको 3 फीट के टैंक में आप एक ही फिश डालना है, अगर बहुत बड़ी होती है छोटी फिशेज बहुत सारा डाल सकते हैं, तो ऐसे करके धीरे धीरे क्वांटिटी को बढ़ाना है। और कभी भी ये चीज़ को अपने दिमाग में नहीं रखना है, बहुत सारा फिशेज डाल के रखेंगे, बहुत सारा फिशेज डाल के रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी फिशेज मरना स्टार्ट हो जाएगी। उसके साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जितना ज़्यादा फिशेज रहेगा उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा, इसलिए न्यू अगर आप हॉबिस्ट हैं कभी भी ज़्यादा फिशेज बाय मत कीजिएगा एक बड़े टैंक में, कम फिशेज बाय करके रखिए, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं होगा। बहुत ज़्यादा लोड आने की वजह से भी हर वीकली जो पानी चेंज करते रहना होगा या हर दिन आपको पानी चेंज करते रहना होगा, बहुत सारा अगर फिशेज डाल देंगे तो कम फिशेज डालिए, लोड भी कम रहेगा, आप भी अपने टैंक को अच्छे तरीके से इंजॉय कर पाएंगे। सो होप कर तो ये जो भी टॉपिक था ये आपको क्लियर हो गया है। अगर आपको छोटी स्पीसीज के फिशेज बाय करना है तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में कर सकते हैं छोटे से टैंक में, लेकिन वही अगर आपको एक बड़ी स्पीसीज के फिशेज बाय करना है तो एक ही या दो ही मैक्सिमम रखिएगा, उससे ज़्यादा मत रखिएगा। ये सारा चीज़ टैंक के साइज़ के ऊपर में कितना फिश बाय करना है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और फिश बाउल में मेनली सिर्फ एक फिश बाय करके रखना है, बेटा फिश। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये जो भी वीडियो था आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। ऐसी मोर फिश रिलेटेड वीडियोज के लिए, फिश रिलेटेड कंटेंट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विद मी, और अब हम लोग जल्द ही मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।